The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. आरके ग्राम प्रधान ने सीएससी डिगलीपुर में आईसीयू की मांग की। डिगलीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामकृष्ण ग्राम के प्रधान श्यामल भौमिक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर में एक गहन चिकित्सक इकाई स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर अंडमान एक विशाल क्षेत्र है। यह क्षेत्र 55,000 से अधिक आबादी वाली 15 ग्राम पंचायतों से बना है। आरके ग्राम पंचायत में स्थित एकमात्र सीएससी क्षेत्र का एकमात्र स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है। इसका उद्देश्य लोगों की जरूरतों का पूरा करना है। विशेष उपचार और गंभीर बीमारी के मामले में मरीजों को पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में रेफर किया जाता है। श्यामल ने मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि एनएच रोड से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के दौरान रेफर किए गए मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि एनएच सड़क की वर्तमान खराब स्थिति ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। मरीजों को एनएच का उपयोग करके यात्रा करने में डर लगता है। जहाज सेवाएं भी आरामदायक नहीं है। बहुत पुराने जहाजों में मरीजों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं ही एकमात्र विकल्प है, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर में तत्काल और विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। लेकिन हेलीकॉप्टर में सीमित सीटें चिकित्सा अधिकारियों को अगले दिन की अगली यात्रा के लिए इंतजार करने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मुख्य अस्पताल में अभी तक गहन चिकित्सा इकाई नहीं है। आपको बता दें कि कभी कभी गंभीर रूप से बीमार मरीज होते हैं, जिन्हें निदान के लिए आईसीयू में निरंतर निगरानी में रखने की आवश्यकता होती है। आईसीयू के अभाव में अस्पताल मरीजों को राहत देने और असहाय हो जाता है। प्रधान श्यामल भौमिक ने प्रशासन से मरीजों के हित में यथाशीघ्र आईसीयू स्थापित करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोग भी अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की आलोचना कर रहे हैं। सीएचसी ने पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिक्स नहीं है। आरके ग्राम के एक ग्रामीण ने कहा कि पीआरआई लंबे समय से पर्याप्त संख्या में सामान्य ड्यूटी डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।